सिक्स मॉर्निंग हैबिट्स फॉर वेट लॉस। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की आदतें आपके वजन को कम कर सकती हैं? कैसे, आइए बताते हैं। जब भी हम वजन कम करने की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ डाइट और कसरत ही सब कुछ है, और वजन कम करने के लिए हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पर होना चाहिए। यकीनन डाइट और एक्सरसाइज आपका वजन कम करते हैं, लेकिन जो असली रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपकी आदतों से। अगर आपकी आदतें सही हैं तो आपका वजन भी जल्दी कम हो जाता है, लेकिन अगर आपकी आदतें ठीक नहीं हैं तो आपका वजन बढ़ता ही जाता है। आज हम आपको सुबह की ऐसी 6 आदतों के बारे में बता रहे हैं जो आपके वजन को तेजी से कम कर सकती हैं और आपको फिट और हेल्दी बना सकती हैं। हमें यकीन है अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, और ऐसी वीडियो आप कभी भी मिस ना करें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। आदत नंबर 1, वजन घटाने के लिए सुबह की सबसे पहली आदत है आपके रोजाना के टाइम से सिर्फ 30 मिनट पहले उठना और बिस्तर को छोड़ देना। अब आपको लग रहा होगा कि 30 मिनट पहले उठने से वजन कैसे कम हो जाएगा, तो आपको दिन भर में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जिसमें आप अपने वजन को कम करने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए तो सुबह का अलार्म 30 मिनट पहले सेट कीजिए और बिना आलस किए उठ जाइए। आदत नंबर 2, वजन घटाने के लिए सुबह की सेकंड आदत है कि सुबह उठने के बाद कम से कम आपको 2 गिलास पानी पीना है, और ये बहुत जरूरी आदत है जो आपको बिना मेहनत किए ही वजन घटाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। होता ये है कि रात भर में हमारा शरीर पानी को इस्तेमाल करता है और सुबह हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हम अगर जागने के तुरंत बाद 2 गिलास पानी पी लेते हैं, स्पेशली अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं, तो उससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है और हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, और ये वजन घटाने में आपको बहुत ही मदद करता है। तो बिस्तर से उठने के बाद आपको पानी पीना है और अपना वजन घटाना है। आदत नंबर 3, हर दिन दुकान से दूध लेने के लिए जाइए। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, इससे वजन कैसे कम होगा? तो जनाब, वजन घटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और जब आप हर दिन दूध लेने जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो आपका वजन अपने आप ही कम होने लगेगा। अगर आप दूध लेने नहीं जा सकते हैं तो थोड़ा वॉक करने के लिए जाइए। ये आदत आपके वजन को कम करने में बहुत ही चमत्कारी भूमिका निभाएगी। आदत नंबर 4, नाश्ता करिए, सही करिए और अच्छे से करिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि वजन घटाना है तो अच्छे से नाश्ता करिए और भर पेट करिए। क्या होता है कि अधिकतर लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करके वो अपना भला कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, जबकि उल्टा होता है। नाश्ता ना करने से आपको दिन भर भूख लगती है और आप बेवजह बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और आपका वजन कम नहीं हो पाता। जब आप सुबह नाश्ता करते हैं उससे आपको दिन भर की एनर्जी मिल जाती है और आपका बॉडी का मेटाबॉलिक जो रेट होता है उस समय तेज होता है, तो आप जो कुछ भी खाते हैं वो शाम तक आपका हजम हो जाता है और आपको दिन भर भूख कम लगती है, जो कि आपके वजन को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। साथ ही आप सुबह के वक्त हेल्दी खाना खा सकते हैं जो कि आपके वेट लॉस में आपकी मदद करे। तो वजन घटाना है तो सुबह का नाश्ता सही तरह से करने की आदत बनाइए और अच्छी तरह से खाइए। आदत नंबर 5, प्लान बनाइए और डायरी में लिखिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपनी डाइट का प्लान बनाइए, बल्कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हर दिन के रूटीन का, अपने काम का एक प्लान बनाइए। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि वजन बढ़ने का एक कारण तनाव भी है, और ये तनाव कई बार बढ़ता है और काम के प्रेशर की वजह से, वो भी जब आपको काम रियलिटी में ज्यादा नहीं होता है लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि अपने डेली के काम की एक लिस्ट, एक प्लान बना लेना है और ये आदत डाल देनी है, और उसके बाद उस प्लान को आपको फॉलो करना है। ऐसा करने से आपको तनाव नहीं होगा और आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने वजन को घटाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो वजन घटाने के लिए सुबह डेली प्लानिंग को अपनी आदत बनाइए। आदत नंबर 6, अच्छे शब्द दोहराइए। शब्दों को दोहराने को इंग्लिश में रिपीट अफर्मेशंस कहते हैं, और इसका बहुत ही चमत्कारी फायदा भी होता है। जब आप अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स निकालते हैं तो आपका माइंड वो हासिल करने में लग जाता है। जो आप अपने बारे में कहते हैं हर सुबह शाम, खुद को आप बोलिए कि मेरा वजन कम हो गया है, मेरा शरीर फिट हो गया है।
तो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो उस चीज़ पर काम करने लगता है। सुबह शाम अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स दोहराते हैं, तो आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से काम करता है। नेगेटिविटी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। कोई लोग आपके मोटापे को लेकर अगर कोई अपशब्द बोलते हैं तो आपको उस बात का बुरा नहीं मानना है। आपको सिर्फ अपने गोल पे सोचना है, उसी पर ध्यान देना है कि हाँ मुझे वज़न कम करना है और मेरा वज़न कम हो रहा है। तो ये जो सुबह की कुछ आदतें हैं ये आपको वज़न कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी और आपको फिट भी बनाएंगी। आशा करते हैं कि आप इन आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे और इस वीडियो पर हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।